फाइनली दोस्तों आ चुका है हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक स्कीम है यूजीसी के अंतर्गत आने वाली है, जो एआईसीटी सीई के अंतर्गत भी आती है, जिसे हम प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टेक्निकल स्टूडेंट यानी टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट के लिए है। साथ में कुछ ईशान उदय स्कॉलरशिप वाले भी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है कि जो भी ईशान उदय स्कॉलरशिप या एआईसीटीसी स्कॉलरशिप की जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, वो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऑफिशियल साइट से ही प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि जितना भी पेमेंट वगैरह या जो भी चीज़ें होती है, ये आपका यही मिनिस्ट्री देखती है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जो यूजीसी के अंतर्गत ईशान उदय स्कॉलरशिप अप्लाई किए थे, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात करें तो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स कैंडिडेट जो कि टेक्निकल डिग्री अप्लाई किए थे, तो ये जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए थे, जिनका मेरिट लिस्ट में सेलेक्शन नहीं है या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में सेलेक्शन है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट यानी जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं या फिर जो ईशान उदय स्कॉलरशिप में बॉयस स्टूडेंट है या फिर गर्ल्स स्टूडेंट है, उन सबके पास एक मैसेज कन्वे हुआ है। वो मैसेज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके के उनके पास मेल आया ऑल इंडिया काउंसिल की तरफ से, देख सकते हैं 3 दिन पहले ही एक स्टूडेंट को आया था, थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो बनाने में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी आर हर्बली कन्वर्ट द लेटर नंबर DO 1 ऐसा करके, और ये बताया जा रहा है कि डेट 3/10/2023 को इशू बाई मिस्टर गोविंद जायसवाल IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग लिंकिंग द स्कॉलरशिप विद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब कि ये ABC ID जनरेट किया जाएगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, जितने भी AICTC अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, उनको एक ABC ID मिलता है, जैसे कि IUMS पोर्टल होता है जहाँ पे स्टूडेंट की सारी डेटा फिल होती है। अब ये ABC के तहत आपकी स्कॉलरशिप भी रजिस्टर होगा, ताकि स्टूडेंट को ट्रैक करने में इजीली होगा, जिससे जितने भी फ्रॉड स्टूडेंट होंगे उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब एक तरीके से ट्रैक किया जा सके। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट अभी भी ABC पे रजिस्टर नहीं किए हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से बात करके आप अपनी ID को ABC पे यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे जो ID है उसको ABC ID को जनरेट करा लीजिए, ताकि आपकी जो भी स्कॉलरशिप की डिटेल्स होगी। बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी होता होगा कि एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया जाता है हर साल, और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट जिनको होती है, वो गूगल फॉर्म फिल करते हैं और बताते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिली है, ताकि वहाँ से डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, अब सीधे आपको ABC ID के थ्रू ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि उसमें फेक और फर्जी स्टूडेंट भी यहाँ पे गूगल फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके के मैसेज आए हैं कि जिसमें आपको अपलोड करनी होगी सारी डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे PFA यहाँ पे लिखा हुआ है, और देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियली मेल है, एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया हुआ था। आप में से जितने भी स्टूडेंट, एक बार चेक करना यार और बताना कि किनके पास ये मैसेज आया था, एक बार मेल चेक करना, और किनके पास नहीं आया था यही आपको सर्च करना है सब्जेक्ट में। और इसका जो PFA है कुछ इस तरीके से है, नई दिल्ली की तरफ से, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सिग्नेचर वगैरह है। और ये क्रेडिट ABC ID क्या आपके कॉलेजेस में चलती है, क्या आपके इंस्टीट्यूट में चलती है, अगर UGC अप्रूव्ड है या फिर AICTE की मतलब टेक्निकल डिग्री के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी के कॉलेजेस में इस प्रकार के यहाँ पे ABC ID जरूर बनी होगी। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। तो यार यही एक छोटी सी मैसेज करनी थी आप सभी स्टूडेंट को, एक बार चेकआउट करिएगा, क्योंकि हो ना हो कि नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर अगर ABC ID आपने ऐड नहीं किया, तो हो सकता है कि पेमेंट में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपके लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही है, ताकि फर्जी स्टूडेंट को यहाँ पे हम पिकआउट कर सकें और उनको यहाँ पे एक तरीके से अलग छांट सकें। तो इस चीज़ को जरूर मुझे बताइएगा। बाकी इंतजार रहेगा आपका कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक